नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, अरे बैठिए इंस्पेक्टर साहब। लेंगे आप एक छोटा सा? तौबा तौबा, हम ठहरे मजहबी आदमी, हमारे लिए हराम है। आप लुत्फ उठाइए। आजकल तो सब चलता है सर। हाँ भैया, लेकिन जब तक बचे रहे खुदा के सामने जाने में डर नहीं लगेगा। हम तो फौजी आदमी हैं साहब। शाम के वक्त अगर सिर न घुमाएं तो फैमिली याद आती है। हमारे लिए तो ये गम की दवा है। इंस्पेक्टर साहब, एक अर्जी है आपसे। फरमाए। आप हमें दिन में एक बार अकेले बाहर जाने दिया करें ना, बहुत जरूरी काम रहता है। ये मुमकिन नहीं है सर, हमारी नौकरी का सवाल है। अम्मा, कुछ नहीं होगा, आप हुक्म कीजिए ना, पूरी सिक्योरिटी जाएगी साथ में। यार, कुछ जगह ऐसी होती है जहां आपके इस ताम झाम को साथ नहीं ले जा सकते। ऐसी कौन सी जगह है सर, जरा हमें भी तो पता चले। देखो मियाँ, तुम यहाँ हमीदा के भाई बने फिरते हो, बात जरा पेट में दबा नहीं होगी। हमारी एक जानशी है, लेकिन जब से तुम लोगों ने घर को घेर लिया है, कैचो वहां जा नहीं सकता, और इसी चक्कर में वो नाराज रहती है। बड़े कमीने हैं आप। आप ही बताइए, जो आपको मौका मिले तो आप छोड़ देंगे? बताइए। नहीं सर, हमारी खुफिया रिपोर्ट कहती है कि आपकी जान को खतरा है, आप चाहे तो गार्ड साथ में ले जाएं। अरे छोड़ो यार, तुम और तुम्हारी खुफिया गिरी, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो अब हम भी जानने लगे हैं। बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी। आप पिछली दीवार से कूदें, कल को कोई बात हुई तो जिम्मेदार आप होंगे। आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा, बस आप संभाल लेना। भाई, काम जितना आसान दिखता था उतने मुश्किल होता जा रहा है। बाप उस पे नजर रख रहा है, सिक्योरिटी चौकन्नी है भाई। पंक्चुअलिटी करने से पहले साइकिल भी चेक करती है। भाई आप कहो तो साइकिल बम लगा दूं या घर में ठोक दूं? सर में ठंडक वाला तेल लगाओ रे, एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है हमें। बाबू धंधे में नया है, उसे हथियार चलाने मत देना, उसे सिर्फ शिकार पे नजर रखने को कहो। गोली नहीं चलाऊंगा तो पक्का कैसे होऊंगा भाई, इस बार तो चांस दे दो। जिंदगी बहुत सस्ती और गोली बहुत महंगी हो गई है रे, पर मैं तुझे चांस दूंगा एक दिन। मदर चाद, पेमेंट की बात ही नहीं करता। कौन जाए, किसी को पकड़ ले तो हमें से तो कोई बात। दरवाजा खोलो। मेरा भरोसा करो जान, मैं दीक्षित से मिला हूं।
जल्दी सिक्योरिटी हट जाएगी, फिर हम तुम जब चाहे मिलेंगे। एक सिक्योरिटी तो हट जाएगी, दूसरी का क्या करोगे? दूसरी कौन? हमीदा। इसी बात का तो डर है, अभी तो चांसेस होती है, पर जिस दिन सिक्योरिटी हटी दुर्घटना घटी। तुम मुझसे निकाह क्यों नहीं कर लेते? अरे समझा करो मेरी जान, जो मजा छुप छुप कर मिलने में है वो साथ साथ रहने में कहा। एक बात सच बोलोगे, तुम मुझसे सच्चा इश्क करते हो या फिर घाट पे आए नहाए धोए और चल दिए? कैसी बातें करती हो साहिदा, इश्क ना करता तो इतनी मुश्किलों के बीच तुमसे मिलने आता? दुनिया के सारे मर्द यही झूठ बोलते हैं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ असलम, अब अकेलेपन से डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। सब्र करो साहिदा, एक दिन ये भी होगा। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें हमीदा अच्छी लगती है या मैं? ये कैसा सवाल है? जवाब दो, मुझे सुनना है। मैंने कभी गौर नहीं किया। तुम झूठे हो, कमीने हो, मक्कार हो, तुम मुझे भरोसा नहीं है। पीर मुझे माफ करना। असलम साहब, असलम साहब, मैंने आपसे कहा था ना आपकी जान को खतरा है। मुझे बचाओ राजेश। उठिए फौरन। सर। रणवीर। यस सर। खामोश रहना, वीआईपी पे गोली चली। व्हाट? मुन्ना भाई, दूसरे गिरोह ने खादिम को गोली मार दी। क्या? किसी ने उसे हमसे पहले गोली मार दी भाई। अरे मदर जात, यही ट्रेनिंग दे रहा तू बाबू को? गलती हो गई भाई। ये बता जिंदा है मर गया? पता नहीं भाई। अगर जिंदा है ना तो झंडो को मार के ही लौटना, अगर मर गया ना तो लौटना ही मत। कोई बुरी खबर है भाई। ऐसे कैसे चलाएंगे धंधा? हुजूर, खादिम साहब पर जानलेवा हमला हुआ है। अच्छा, एफआईआर लिखना सर। अरे तो उनके सेक्रेटरी क्या सो रही थी सालों? असलम साहब खुली हवा में सांस लेना चाहते थे, इसलिए हम लोग उन्हें जीप में बिठाकर घूमने निकले। कुछ देर तक वे बीबीसी की दुकान के पास खुली हवा में बैठे रहे। जब हम निकलने ही वाले थे, उन्होंने खुले में पेशाब करने की इजाज़त मांगी। आज तक किसी वीआईपी ने ऐसी मांग नहीं की थी, इसलिए हमारे कुछ जवान भी उनके साथ खड़े हो गए। अब पेशाब करते हुए आदमी की छाती पर खड़े हो जाओ तो पेशाब उतरती भी तो नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे जवानों को इशारा किया कि वे थोड़ा दूर खड़े हो जाएं, तो वे थोड़ा दूर जाके खड़े हो गए। मैं अपनी जीप के पास खड़ा असलम साहब पे नजर रख रहा था। इतने में एक बाइक पर सवार दो लोग आए और असलम साहब पे गोली चला दी। गोली पैर में लगी। हमलावरों ने दूसरी गोली भी चलाई, लेकिन तब तक हमारे कमांडोज असलम साहब को कवर कर चुके थे। जैन सर। सर, जैन सर। असलम साहब कैसे हैं? पहले से बेहतर हैं सर। प्रदेश में खुले आम घूम रहे हैं आतंकवादी, कातिलों के निशाने पर है आम आदमी। खामोश है मुख्यमंत्री, खामोश है सरकार, खामोश है इंसाफ के पहरेदार। आधुनिक हथियारों से लैस होने के बावजूद आप हमलावरों को मार नहीं सके? देखिए, हमारी पहली जिम्मेदारी वीआईपी की जान बचाना होता है। हमलावरों को मारना या छोड़ना सरकार का काम है। प्रदेश और देश खादिम के लिए दुआ मांग रहा है, आप भी उनके लिए दुआ करना चाहें तो हमें SMS करें 636359 पर। हुकुम, इन्होंने तो खादिम को हीरो बना दिया। मिट्टी के पुतलों को हीरो बनाना
मीडिया का धंधा भी है और मजबूरी भी। आज के लिए माफी चाहूंगा। ये हुक्म, पार्टी को जिस चेहरे की तलाश थी वो मिल गया है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। क्या आप भी पीपल वाले पीर के दरबार में जाएंगे सर? नमस्ते सर। आइए सर, प्लीज कम। खादिम साहब की बीवी सर। ना 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 ना, आप आराम करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ खादिम साहब, मैं आपका पाल भी बाका नहीं होने दूंगा। मेरी सरकार गुनहगारों को बख्शेगी नहीं। हमलावर जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप सीधे मुझे फोन करिए। लली जी आपका हालचाल लेते रहेंगे। हुकुम। मैं पीपल वाले पीर से आपके लिए दुआ मांगूंगा। कहनचो फतेहपुर का नाम हो गया, मुख्यमंत्री भी आया और दरगाह पर सिर झुका कर गया। अब वो भी कुछ ना कुछ जरूर देगा, क्यों हबीब साहब? जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो आप पीर के दरबार में अर्जी क्यों नहीं पेश कर देते कि वे आपको भी गधा बना दे? असलम अस्पताल से वापस आ गया है। तो क्या करूं, नाचूं, पटाखे छोड़ूं? कमबख्त, आतंकवादियों के निशाने भी आजकल ठीक से नहीं लगते। होश में आइए, ऐसी भी क्या दुश्मनी है कि एक बार उसे देखने भी ना जाए? तुम्हें उससे हमदर्दी है तो तुम जरूर जाओ, लेकिन मैं तो उसके जनाजे में भी शामिल नहीं होऊंगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि क्या हबीब मुझ पर गोली चलवा सकता है? नहीं, तुम्हारे और उसके रिश्तों का धागा कहीं उलझ गया है, पर टूटा नहीं है, वरना वो चटकता नहीं, खामोश हो जाता। याद है तुम्हें, शेर लिखते ही वे दौड़कर तुम्हें सुनाने आता था। मुझसे ज्यादा तो तुम्हारी स्कूटर की पिछली सीट पे वो बैठा है, रफीक। उनकी और फौजिया की गोद में ही तो खेलकर बड़ा हुआ है। फौजिया के भाई? ये तुम क्या उल्टी सीधी सोच रहे हो? मारपीट करने और जान लेने में बहुत फर्क होता है। शुक्रिया कहो राजेश भाई का कि उन्होंने तुम्हारी जान बचा ली। तो फिर मुझ पर गोली किसने चलवाई? राजेश भाई कह रहे थे कि मशहूर लोगों को मारकर आतंकवादी गिरोह अपना सिक्का जमाते हैं। आप? पीर का बुलावा मैं कैसे टालता? पीर से मैंने आपके लिए दुआ मांगी थी। प्रधानमंत्री जी को आपकी बहुत फिक्र है। अब आप सिर्फ फतेहपुर के नहीं रहे, पूरे देश के हो गए हैं। ये आपकी दुआओं का ही असर है। इसलिए अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना। देश और प्रधानमंत्री जी के बहुत दुश्मन हैं, वे आपके भी दुश्मन हैं। वो तो दिखाई दे ही रहा है। जय हिंद सर। गणी खम्मा, गणी खम्मा, असलम साहब, गणी खम्मा। मुख्यमंत्री जी ने आपकी खैरियत पूछने के लिए भेजा है। असलम साहब को परेशानी होगी इसलिए आप लोग। आप तो जानते हैं असलम भाई कि किस्मत कभी कभी जीरो से हीरो बनने का मौका देती है। जी। दो चार महीनों में प्रदेश में चुनाव हैं। मैं वोट बराबर डालता हूं साहब। इस बार खुद को भी वोट दे दो। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इस बार आप फतेहपुर से चुनाव लड़ें हमारी पार्टी से। मेरी दाल रोटी का जुगाड़ नहीं, सिर्फ पंचर लगाना जानता हूं मैं, क्या करूंगा राजनीति।
राजनीति और पंचर लगाने के धंधे में बहुत फर्क नहीं है। बड़ी बड़ी योजनाओं में पंचर लगाने का ही धंधा है राजनीति। कभी पंचर करते हैं, कभी बंद करते हैं। मेरे जैसे पंचर लगाने वाले गली गली में हैं साहब। मुख्यमंत्री जिसे चाहे खड़ा कर दे। कैसी बातें करते हैं असलम भाई। आप गरीब हैं, खादिम हैं, आपकी जान को खतरा है। मीडिया के हीरो हैं आप, कोई है आपसे बड़ा? आप हमारे साथ आ जाओ, अपने लोगों को यकीन दिलाओ कि हमारी पार्टी आपकी दुश्मन नहीं है। साहब, मुझे इस दलदल में नहीं फंसना, मुझे माफ। दलदल? पैसे और पावर का ये दलदल चाशनी है, जो पैर में भी लिपट जाए तो लोग चाटने लगते हैं। रही राजनीति की बात, तो यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। फिल्मों में नाचने गाने वाले प्रदेश चलाते हैं, हवाई जहाज उड़ाने वाले देश चलाते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके पास एक चेहरा हो, एक पहचान हो। गोलियां और धमाके इतिहास बदल देते हैं खादिम साहब। अब ये तय आपको करना है कि आप क्या बने रहना चाहते हैं। एक पंचर वाला खादिम या प्रदेश मंत्री? वह तुम्हें लालच किसी काबिलियत की वजह से नहीं दे रहे। वह तुम्हें इसलिए चाहते हैं क्योंकि तुम मुसलमान हो। जानता हूं, पर इसमें मेरा क्या नुकसान है? उनकी सरकार आएगी तो मुझे मंत्री बनाएंगे। पता नहीं, एक आफत का नतीजा तो भुगत ही रहे। जिंदगी भर छोटा सोचो। क्या विधानसभा और संसद में सभी जहीन है, सभी काबिल? मेरी तरह जाहिल और गवार नहीं है? या मुझसे भी बड़े जाहिल, गवार और गुनेगार वहां बैठे हैं? लालच का बीज जब उगने लगता है तो जमीर मरने लगता है। बुरे दिन तो एक दिन बदल जाएंगे, पर एक बार नियत खराब हो गई ना तो। गोली मैंने खाई है, गोली का दर्द मैंने सहा है, तुमने नहीं। ये कभी जयपुर, कभी सीकर, कभी झुंझुनू, ना खाने का ठिकाना ना पाखाने का, ये दिन रात किसके लिए कर रहे हो? पार्टी जहां चाहती है जाना पड़ता है। आजादी के बाद से आज तक मेरी पार्टी ने फतेहपुर से कभी चुनाव नहीं जीता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। कुछ समय अपने बच्चे और बीवी के लिए भी निकाल लिया करो। अब तुम असलम पंचर वाले की बीवी नहीं हो, बात को समझो हमीदा। हेलो, तुम्हारे लिए। कह दो पंचर लगाना बंद कर दिया है। तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है। दूर की ही सही, पर हमारी रिश्तेदारी तो है मियां। 3 साल पहले ही तो मिले थे। 5 साल पहले ईद की नमाज के बाद मैं आपसे गले मिलने के लिए बढ़ रहा था, पर आपने रास्ता बदल लिया था। अरे वो पहचाना ना होगा। छोड़िए ना, आप कहां पुरानी बातों को लेकर बैठ गए। और कहिए, कैसी चल रही है आपकी दुकान? बंदी समझिए, मेरी छोड़िए, अपनी सुनाइए। कैसा चल रहा है आपका हवाला का धंधा? अरे नाम भी ना लीजिए उसका, उसे तो बंद किए बरसों हो गए। इज्जत ही नहीं मिलती थी साली। अब होटल, जमीन जायदाद और एजुकेशन इंडस्ट्री चलाते हैं। कौन सा धंधा? बच्चे पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज हैं अपने, पढ़ाने का काम है जी। तो कहिए मुझे कैसे याद किया?
जयपुर के पास सरकारी जमीन पर एक फैक्ट्री है अपनी शराब की, उसकी लीज चुकाने में कुछ देर हो गई तो सरकार ने अलॉटमेंट ही खत्म कर दिया। सुना है इधर मुख्यमंत्री के साथ आपका बड़ा भाईचारा है। शराब तो अपने मजहब में, अरे पीने की मनाही है बनाने की नहीं, फिर धंधे में मजहब को क्यों घसीट रहे हैं? आप भी तो उनके साथ हैं जो कम्युनल हैं। मतलब फिरका परस्त और लोग क्या है? अरे छोड़िए ना, आपको चुनाव लड़ना है, हमको धंधा करना है। ऊपर उठने के लिए नीचे गिरना पड़ता है, चाहे धंधा हो या राजनीति। आप इस काम को करवाने की कीमत बताएं। पैसे ले लो, काम हो जाएगा। मैं पैसे ले लूं सर? क्यों, क्या तकलीफ है? हराम की कमाई मैं कैसे ले लूं? अरे यार, किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? वो हराम की नहीं, शमशाद की कमाई है। वो हमारा काम कर रहा है, हम उसका। इसमें गलत क्या है? दुनिया ऐसे ही चलती है, वरना दुनिया के सारे टीचर प्रोफेसर चुनाव लड़ रहे होते। लक्ष्मी सामने से आ रही है, मना नहीं करते। ले लो। इंटरेस्टिंग, कादिम सर इज कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम फतेहपुर। यस सर। बट व्हाई? ऑन बीकेपी टिकट ही विल लूज। यू कुड हैव आस्क्ड आवर कोलिजन पार्टनर टू गिव हिम अ टिकट। बीकेपी इज just playing communal card. Oh, I see. Communal card. But his prayers work for me. People wale baba really works. Send him my best wishes, huh? पानी गरम कर दो। नहीं, नहाने का मन नहीं है। खाना खा लिया? शमशाद भाई के यहाँ से एक आदमी आया था, एक बैग दे गया। कहाँ रखा है? अलमारी में। ठीक है। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है या जुआ खेलने लगे हो? बेवकूफी के सवाल बंद करो। जूतियां बेचने की भी अब तुम्हें जरूरत नहीं, चुनाव के बाद दुकान बंद कर देंगे। मैं जूतियां बेचकर अपने बच्चे को बड़ा कर लूंगी, पर तुम्हारी गुनाह की कमाई को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे गुनाह में शामिल नहीं है। जब गरीबी के दिन मिटने जा रहे हैं तो मैं तुम्हें गुनहगार दिखने लगा हूं? वो गुनाह नहीं था जब तुम पूरे मोहल्ले में इतराती घूमती थी कि हमारे घर में प्रधानमंत्री ने गार्ड लगवाए हैं। नींद बेचकर बिस्तर नहीं खरीदा जाता। सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो भूला नहीं कहलाता। मैं अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार। क्या हो जाएगा अगर तुम चुनाव को? नेकी क्या है, बदी क्या है, ये तुम मुझे मत सिखाओ हमीदा। इतनी अकल है मेरे पास, तुम सिर्फ घर गृहस्थी संभालो।